गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वर्षा, आप देख रहे हैं वर्षा वीटेल लाइफस्टाइल। तभी तो विंटर का सीजन आ गया है। विंटर में बहुत अच्छा लगता है, रजाई घोर के सोने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन चेहरे का हालत पूरा बिगड़ जाता है। होता है ना, हेयर में डैंड्रफ होता है और फेस खिंचा खिंचा, पूरा जैसे कोई खींच रहा है हमको, ऐसे लग रहा है। तो ऐसे हो जाता है ना, जिन लोग का ऑयली स्किन है लगभग वो लोग को तो चलेगा, फिर भी ड्राई होता है। और जिन लोग का ड्राई हेयर है वो तो मत पूछिए कैसा दिखता है, पूरा व्हाइट व्हाइट दिखता है, फटा फटा जैसा रहता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बाहर का मौसम बहुत सुंदर होता है, जैसे कि हमारा फ्लावर हुआ, बहुत वैरायटी का फ्लावर मिलता है विंटर में, और फ्रूट्स ज़्यादा मिलता है, और क्या वेजिटेबल तो बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन उनका भी फ़ायदा लेना चाहिए। क्या फ़ायदा लेना चाहिए, हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। 10 ब्यूटी टिप्स देंगे विंटर में जो कि ज़बरदस्त है। हाँ हाँ, उससे पहले जो है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए। तो चलिए वो 10 ब्यूटी टिप्स क्या है जानते हैं। तो फ्रेंड, पहला टिप से हम लोग को विंटर में ना जो बाहर का मॉइस्चर है वो बहुत ही ठंडा होता है, जो गिरता है बर्फ़ के जैसा थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है ना, वो बहुत हम लोग का बॉडी का मॉइस्चर, फेस का मॉइस्चर, हेयर का मॉइस्चर ले जाता है, खो देता है। इसलिए इसको हम कैसे ठीक रखेंगे, सब सीजन में हमको ब्यूटी रहना है तो कैसे ठीक रहेंगे इसके लिए। तो पहला टिप से हमारा CTM। तो वो CTM क्या है चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, CTM का मतलब है सी फॉर क्लिंजिंग, टी फॉर टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो आप रेगुलर बेसिस में CTM कीजिए, क्लिंजिंग कीजिए, टोनिंग कीजिए, मॉइस्चराइजर अच्छा कंपनी का लगाइए। सेकंड है CTTMP, मतलब सी मतलब क्लिंजिंग, टी मतलब क्या है टोनिंग, और एक टी मतलब ट्रीटमेंट, मतलब कि जिनका रिंकल्स है और जिनका क्या बोलते हैं पिगमेंटेशन है, जो भी वगैरह वगैरह है, वो लोग क्या करेंगे उसको ट्रीटमेंट बेसिस का क्रीम लगाएंगे, हो गया है ना, इसको बोलते हैं टी। एक टी है टोनर और एक टी है हम जैसे लगाते हैं सब, जिनका जो टाइप का स्किन है वैसी क्रीम लगाइए। हाँ, CTTM, M का मतलब मॉइस्चराइजर लगाए, P का मतलब प्रोटेक्ट जो करना है वो क्रीम लगाएंगे। जैसे भी रात में कुछ भी क्रीम आप लगाते हैं, रात में जरूर लगाना चाहिए, सुबह ही भले ही मत लगाए लेकिन रात में जरूर लगाइए। रात का जो क्रीम होता है अक्सर वही ज़्यादा काम करता है। तो चलिए नंबर 3 क्या है, तो नंबर 3 है आपको हफ्ते में एक बार फेस वॉश करना चाहिए। साबुन तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, फेस वॉश हफ्ते में कितना बार, एक बार करना चाहिए, और वो भी जिस फेस वॉश में मॉइस्चर हो वही फेस वॉश ला के लगाइए। सोप भी मिलता है, मॉइस्चर का सोप फेस वॉश भी इधर मिलता है, तो वही ला के लगाइए। ड्राई फेस वॉश मत लगाइए, स्किन को पूरा डैमेज कर दिया। लेकिन सादे पानी में हफ्ते भर सादे पानी में धोइए, एक बार फेस वॉश लगाए, ये विंटर के लिए बोल रही हूँ। तो फ्रेंड, नंबर 4 है क्या करना चाहिए हम लोग को, हम लोग को गर्म पानी में नहाना बिल्कुल नहीं है। गर्म पानी में नहाने से हमारा जो स्किन जो होता है ना, वो जितना भी मॉइस्चर होता है वो सब निकाल के गर्म पानी ले जाता है। इसलिए ज़्यादा ठंडा पानी में नहाने के लिए तो सबको डर लगता है, लेकिन कोई कोई है नहा लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा गुनगुना पानी, थोड़ा सा उसमें नहाना चाहिए। तभी चलिए नंबर 5 क्या है जानते हैं। नंबर 5 है आपको हफ्ते में एक बार क्या करना चाहिए, एक बार या दो बार आप थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, उसमें कस्तूरी हल्दी थोड़ा सा डालिए, हनी डालिए, फेस पैक की तरह लगाइए। हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, हफ्ते में दो बार भी कर सकते हैं। अभी जानिए नंबर 6 क्या है। नंबर 6 से हमको जिनका ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा खिंचा खिंचा रहता है, ड्राई होता है ना, मलाई होता है ना, दूध का मलाई होता है, उसमें थोड़ा सा कस्तूरी हल्दी लगा डाल के रात में लगाइए। देखिए इतना ज़बरदस्त काम करेगा, आपका जितना भी दाग धब्बा है गायब हो जाएगा, पूरा चेहरा चमक उठेगा, बहुत सुंदर लगेगा। तो सब पूछेंगे कहाँ से फेशियल करके आए हैं, ये एक बार करके देखिए, जिनका ज़्यादा ड्राई है। और जिनका पूरा ऑयली है,
मतलब कि मलाई मत लगाइए, जिनका नॉर्मल स्किन है वो लगा सकते हैं। नंबर 7, मैंने आपको बताया ना फेस वॉश मत कीजिए, लेकिन नंबर 7 में मैं ये टिप्स बताती हूँ, रॉ मिल्क, इससे ज़्यादा क्लिंजिंग कोई काम नहीं करेगा। आप अच्छी तरह से कोई भी रॉ मिल्क लीजिए और उसमें कटन डाल के अपने स्किन को पूरा साफ कीजिए। देखिए रोजाना ऐसे करने से आपका चेहरा भी निखर जाएगा और खिंचा खिंचा फटाफट फेस नहीं रहेगा, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल लगेगा। तो अभी चलिए नंबर 8 में क्या है। नंबर 8 में है, मैं अभी बोली ना कि विंटर में बहुत सारा फ्रूट्स मिलता है, उसका मज़ा लीजिए, तो वेजिटेबल भी बहुत मिलता है। तो यही है, विंटर में जो फ्रूट्स मिलता है ज़्यादातर ऑरेंज बहुत ज़्यादा मिलता है, तो ऑरेंज का जूस रेगुलर पीजिए, लेकिन ऐसे पीजिए जो कि फेस को ग्लो देगा और ड्राई नहीं होगा। वो क्या है, चीनी मत डालिए, सिंपल ऑरेंज को जूस कीजिए, फिर ढक 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 करके पी जाइए। तो अभी चलिए नंबर 9 में क्या है बताते हैं। नंबर 9 में है, आप दही लीजिए, कॉल लीजिए, उसमें थोड़ा सा हनी डालिए और फेस में लगाइए। हमारा दही जो है इतना सुंदर काम करता है क्लिंजिंग, हमारा जो क्या बोलते हैं उसको हम करते हैं ना ब्लीचिंग, ब्लीच जो करते हैं ऐसा ही काम करता है, फेस को पूरा निखार देता है। और हम उसमें हनी डालेंगे तो दाग दबा गायब हो जाएगा और फेस पूरा सुंदर होगा, आपका फेस फटाफटा नहीं रहेगा। अभी चलिए जानते हैं नंबर 10 में क्या है। नंबर 10 में है, आप थोड़ा सा रॉ मिल्क लीजिए, उसमें कस्तूरी हल्दी डालिए और उसमें थोड़ा सा ऑरेंज का जो छिलका होता है, ज़्यादातर ऑरेंज है ना हम जूस कर तो करके तो पियेंगे ना, उसका जो छिलका है उसको फेंकिए मत, उसको ग्राइंडिंग कीजिए, फिर चला लीजिए उसका जो रहेगा पाउडर उसमें थोड़ा डाल के लगा लीजिए। देखिए ज़बरदस्त, ये जो ब्यूटी टिप दस्त तो है ना, आपका इतना बढ़िया काम करेगा, आप रेगुलर बेसिस में करें। और उसके बाद मैं बताती हूँ, आप रात में कोई भी नाइट क्रीम लगाइए और कोई भी मतलब कि मॉइस्चराइजर लगाइए। तो जिनका जैसा हेयर है, मतलब कि सॉरी, जिनका जैसा फेस है ऐसे ही मॉइस्चराइजर लगाएं। मॉइस्चराइजर भी 3 टाइप का आता है, तो स्किन जैसा है वैसे मॉइस्चराइजर लगाएं। हाँ, और बालों के लिए आप पालक जूस पी सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा, ज़रूर सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए प्लीज़ कर दीजिए। रहते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक देन टेक केयर।